नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी बबलू के साथ। आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर रीवा की ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन, मैं आपको ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन के बारे में बताऊं, सर्वाधिक बड़ा संगठन महिलाओं का अगर कुछ रीवा शहर में है तो वो है ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन। मेरे साथ ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन की तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूँगा, जानने समझने की कोशिश करूँगा फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में मास्टर शेफ प्रतियोगिता। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस तरीके का आयोजन रीवा में पहली बार होने जा रहा है। ये बताइए, मास्टर शेफ प्रतियोगिता में क्या होगा खास? 19 तारीख को सारी ब्यूटिशियन एसोसिएशन के द्वारा ये प्रोग्राम हो रहा है। यहाँ पे जो सारी महिलाएं हैं, ये सभी लोग विंध्य की जो हमारी खास डिशेस हैं उनको हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम पहुंचाने की बात कर रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। जो अभी तक डिश जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, उन डिशों को अब आप बड़ा मंच देने जा रहे हैं। तो जो चीज़ें हमारे घरों में बना करती थी, तो हम इसको सारी लेडीज़ जो हम लोग घर में बनाया करते थे, इसको हमें पहुँचाना है। बड़ी बात है। ये बताइए, क्या आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके का आयोजन होने जा रहा है आपका? ये अभी विंध्य में बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें महिलाएं अभी तक तो घर में खाना बनाती थी, अब इसके द्वारा वो बाहर निकल के आएंगी और ये मास्टर शेफ प्रतियोगिता में भाग लेंगी। बताइए जी, इसमें सब भाग लेंगी और आगे बढ़कर इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। मास्टर शेफ प्रतियोगिता रीवा शहर में वाकई एक बड़ी बात है। इस तरीके का आयोजन रीवा शहर में आज तक नहीं हुआ था। हालांकि अभी तक मास्टर शेफ के बारे में हम और आप सारे लोग, रीवा शहर के सारे लोग, केवल और केवल टीवी में देखा करते थे। जिस तरीके की आयोजन की आप लोगों ने बातचीत की है, तो क्या लग रहा है आपको कि आप लोग कहां तक सफल हो पाएंगे? क्या प्लानिंग है आपकी? हम लोग की प्लानिंग है आपके रीवा ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन से है। काफ़ी लेडीजें हम इकट्ठा हैं और कल का प्रोग्राम बहुत ही शानदार होगा, काफ़ी वो है। और ये जो घर घर मास्टर शेफ हैं उनको आगे ले जाना है, राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाना है, हम लोग का यही आज का लक्ष्य है। आपको बताइए जी, महिलाओं को नई पहचान मिलेगी और वो अपनी पहचान खुद बनाएंगी और वो घर से बाहर निकलेंगी और मास्टर शेफ में हिस्सा लेंगी। सबसे बड़ी बात, अभी तक जो कला छिपी हुई थी वो कला निकलकर बाहर आएगी। हमारे घर का एक बड़ा व्यंजन बड़ा मंच लेने जा रहा है। जिस तरीके से आप लोगों ने पूरी तैयारी की है, और मेरे ख्याल से लगभग वहाँ पर बहुत ज़्यादा रीवा शहर में एक इसको लेकर उत्साह है, तो आपको क्या लगता है कि क्या आपको क्या किस तरीके से आप पूरी प्रतियोगिता को देखेंगे? किसी भी कंपटीशन की अगर स्टार्टिंग होती है, और ये तो शायद फर्स्ट टाइम होने जा रहा है मास्टर शेफ, तो ये इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म सारी महिलाओं के लिए। प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और नया भी है, क्योंकि सारी लेडीज़ें घर पर नो डाउट मास्टर ही होती हैं। सब मतलब जो माएँ हैं वो मास्टर होती हैं, तो अभी वो प्लेटफॉर्म पे जाके काम करेंगी तो उनको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलेगा, उनका नाम होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो एसोसिएशन है पार्लर एसोसिएशन, तो हम जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको सपोर्ट करने वाले हैं, जितने भी लोग वहाँ पे व्यंजन बनाने वाले हैं उन सबको हम सपोर्ट करेंगे, कॉपरेट करेंगे कि ये जो प्रतियोगिता है ये उतने ही अच्छी तरीके से कल सम्पन्न हो, और हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा। बड़ा योगदान आपका इसलिए भी है कि ये प्रतियोगिता आप लोगों के सौजन्य से ही होने जा रही है, और उसमें एक सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही वो ये कि वो व्यंजन, मैं बार बार बात करता हूँ, वो व्यंजन जो अभी तक केवल और केवल आप बनाया करते थे और आपके घर के लोग ही खाया करते थे, अब वो व्यंजन बाहर आ रहा। जी हाँ, जब बाहर आएगा तो ही मैं शायद ये भी कहूँ कि एक नया संजीव कपूर या उस तरीके के उस लेबल के एक प्लेटफॉर्म बनाने की बात जो रीवा की महिलाओं ने यहाँ पर, जो भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय दिख रही, इन्होंने ये साफ तौर से तय किया कि अब हम इस खान पान की प्रतियोगिता को, अभी तक हम केवल सौंदर्य की बात करते थे, अब हम महिलाओं की हर उस फील्ड पर ले जाकर उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको रोजगार देने की बात करेंगे। हमारा संगठन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हम ये चाहते हैं हम महिलाएँ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें और एक प्रेरणा का काम करें उन महिलाओं के लिए जो अभी तक घर में एक बहुत अच्छा खाना बनाया करती थी लेकिन उनके खाने की तारीफ नहीं होती थी। अब वो एक बड़ा मंच जो ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन ने पर्यटन विभाग के सौजन्य से फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के द्वारा इनको मिला है, उसका भरपूर लाभ उठाएँ
और इनकी एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि शुक्रवार को जो ये प्रतियोगिता होने जा रही है, तमाम शहर की महिलाएं अपने घर से निकलें, अपना एक व्यंजन लेकर वहां पर पहुंचे और मास्टर शेफ बनने की बात करें। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, मास्टर शेफ के लिए वहां पर महाराजा रीवा पुष्पराज सिंह जी और मनोज कुमार जी मौजूद होंगे, खास तौर से पर्यटन विभाग के, साथ ही रीवा शहर के वो लोग जो कि इस खान पान में रुचि रखते हैं, खान पान के बहुत शौकीन हैं, वो आपकी तमाम डिशों को चेक करेंगे। उसके बाद जो चुनिंदा डिशें हैं वो मास्टर शेफ के पास जाएगी और उसको भी उन लोग को उसमें से कोई एक निकल के अपनी अपनी विधा में निकल के मास्टर शेफ बनेगा। इस मौके पर नगद पुरस्कार देने की बात तो ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन के साथ फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट ने की ही है, साथ ही वहाँ पर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद होंगे जो अपने हाथों से तमाम लोगों को सर्टिफिकेट देंगे, नगद पुरस्कार भी देंगे, लोगों का उत्साह बढ़ेगा। इन महिलाओं का उत्साह निश्चित रूप से, एक बड़ी प्रतियोगिता जब सफल होती है तो उत्साह बढ़ता ही है। अब देखना दिलचस्प होगा शुक्रवार को, कल की केवल और केवल चंद लम्हे ही बचे हैं, कितने लोग प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और इन महिलाओं का उत्साह बढ़ाते हैं।